गाइस, मैंने कुछ टाइम पहले कोजीमा स्किन लाइटनिंग क्रीम का आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था। और गाइस, उस वीडियो में काफ़ी सारे लोग बोल रहे कि आपने उस वीडियो में झूठी जानकारी दी है, मतलब आपको झूठी इन्फॉर्मेशन दी है। और गाइस, काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे थे कि वो क्रीम काफ़ी अच्छी है, मतलब हमको उस क्रीम से काफ़ी सारा रिजल्ट मिला है। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको सारे सवालों का आंसर देने वाला हूँ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर प्लीज़ एंड तक देखिए। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारी ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो देख सके। तो गाइस, सिर्फ मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि उस क्रीम में कोजिक एसिड की जो गाइस मात्रा है काफ़ी ज़्यादा उसमें ले गया, जो कि बिल्कुल भी स्किन के लिए सेफ नहीं है। और गाइस, काफ़ी सारे यूट्यूबर इस टॉपिक पर ये बोल रहे हैं कि वो क्रीम आपकी स्किन को गोरा करती है, उसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो गाइस, ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी यूट्यूबर आपसे ऐसा बोल रहे तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, उनको गाइस कुछ भी पता नहीं उस क्रीम के बारे में। गाइस, एक्चुअली इस क्रीम को गाइस मेरे एक फ्रेंड ने 1 मंथ तक कंटिन्यू यूज़ किया है और गाइस उसको किसी भी तरह का कोई भी फायदा देखने को नहीं मिला है। अगर गाइस आप भी उस क्रीम को स्किन लाइटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आपके पैसों की 100% बर्बादी होने वाली है और आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो गाइस, इसीलिए गाइस मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि उस क्रीम को आप बिल्कुल भी स्किन लाइटिंग के लिए यूज़ ना करें। और गाइस, किसी भी क्रीम पर स्किन लाइटिंग नाम होने से कोई भी क्रीम स्किन लाइटिंग नहीं हो जाती है। तो गाइस, मेन चीज़ होते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसमें मैं कोजिक एसिड उसमें लेकर, जो कि एक प्रकार का काफ़ी अच्छा स्किन लाइटिंग एजेंट होता है, पर गाइस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी क्रीम के इंग्रेडिएंट्स पर अगर कोजिक एसिड रहता है तो आपके स्किन को गोरा करती है। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग आपको गलत बोल रहे हैं, अगर आप उस क्रीम को यूज़ करना चाहते हो तो आपको पैसों की पूरी बर्बादी हो रही है। और गाइस, आपको मेरी बातों पर अगर यकीन नहीं तो आप खुद उस क्रीम को खरीद लीजिए और उसको कंटिन्यू 1-2 मंथ कंटिन्यू यूज़ कीजिए। आप गाइस देखना, आपको किसी भी तरह का कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए गाइस मैं नहीं चाहता कि आपके भी पैसे वेस्ट हो, आपके साथ धोखा हो। तो इसलिए गाइस सिर्फ आप उस क्रीम को बिल्कुल भी ट्राई ना करें। वो गाइस कोई भी स्किन लाइटनिंग क्रीम नहीं है, जो कि कंपनी ने उस पर लिखा है। कोई भी गाइस कंपनी अपनी क्रीम्स या किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ ही करेगी ना, बुराई तो नहीं करेंगी। तो इसलिए गाइस अगर आप उस क्रीम को यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल ना यूज़ करें, वो कोई स्किन लाइटनिंग क्रीम नहीं है। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट लर्निंग। ओके, बाय।